What's up everyone? Welcome back to the channel. अब बारी आ गई है मैक्रो के के देने की, मैक्रो के कुछ important MCQs देखने की. कुछ देखने तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ एमसी क्यूज देख लेना थोड़ा सा लगभग थर्टी मिनट्स ये वीडियो डिले आया होगा आप वेट करते करते थक गए हो गए बट या थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया था मेरे कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे गए थे डाउट फाउट्स लेने के लिए तो ऐसा हो जाता है बट या चलिए शुरू करते हैं अभी अच्छे तरीके से एंड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को और नौ बजे प्रेजेंटेशन टिप्स में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट करना है बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने अपने ऊपर भरोसा रखो और कल एग्जाम बहुत अच्छा होगा चलिए जल्दी से लेट्स बिगेन करते हैं बेटा जी हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन के साथ फिगर को केयरफुली पढ़ना है देखना है और फिर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आ जाओ भाई फटाफट से आप लोग जानते हो कौन कौन सा है देखो तीन फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो का डायग्राम है क्या क्या दिख रहा है हमको सबसे पहले मुझे दिख रहा है जनरेशन फेस फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेस लास्ट फेस किसको बोलते हैं लास्ट फेस बोलते हैं हम लोग डिस्पोजिशन फेस तो तो ये तो हो गया डिस्पोजिशन ठीक है उसके बाद नेशनल इनकम नेशनल एक्सपेंडिचर सबसे ऊपर क्या आता है सबसे ऊपर आता है नेशनल आउटपुट भाई प्रोडक्शन होगा तभी तो उससे इनकम जनरेट होगा उससे एक्सपेंडिचर होगा तो जल्दी से चेक कर लो कि आउटपुट कहां है और डिस्पोजिशन कहां है तो आउटपुट और डिस्पोजिशन है बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में तो इसका ऑप्शन बनेगा सी चलो भाई अगला सवाल क्या है सर नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट गलत हो गया बेटा जी ये नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें हम टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है तो ये तो गलत है कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट ये भी गलत हो गया तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो गई हैं चलो भाई आगे चलते हैं अगला सवाल क्या है इन एन इकोनमी द वैल्यू ऑफ एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज दो सो एन एफ आई ए इज दो सो एंडल्यू ऑफ फैक्टर है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकाल दोगे कैसे निकलता है एन एफ आई ए इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा एन एफ आई ए दो सो है फीफा मुझे निकालना है ये 40 है तो फीफा जो है इधर आके प्लस हो जाएगा 240 आ जाएगा ये ऑप्शन आएगा व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 840 फोर्टी जीडीपी 840 है प्राइस इंडेक्स 120 है रियल निकालना है तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू हंड्रेड प्राइज इंडेक्स कितना है 120 सौ बीस नॉमिनल कितना है एट फोर्टी रियल इंटू हंड्रेड चलो भाई फटाफट से मुझे आंसर बता दो क्या आंसर आएगा इसका सॉल्व कर लो अपने पास जल्दी जल्दी से अपॉन वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड एट फोर्टी अपॉन वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सेवन हंड्रेड आ जाएगा बच्चों फोर्थ का आंसर बन जाएगा सेवन हंड्रेड चलो भाई आगे चलते हैं जल्दी से क्या है सर क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है नॉट शब्द का प्लीज ध्यान रखना कल अवेयर रहना नॉट वाले सवाल बहुत पूछेगा फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस देखो डिफेंस पर्सनल को यूनिफॉर्म फ्री में दी जाती है लेकिन उनकी सर्विसेज के बदले में दी जाती है ठीक है ऐसे किसी को यूनिफॉर्म नहीं मिलती कमानी पड़ती है तो ये तो भैया फैक्टर फैक्टर पेमेंट है सैलरी टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फैक्टर है रेंट पेड फैक्टर है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कभी भी फैक्टर पेमेंट नहीं होती ठीक है जी उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा इसमें से गलत है जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एम पी इज इक्वल टू जी डी पी एट एफ सी प्लस एन आई टी क्या ये सही है जी डी पी जी डी पी तो सही है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए एन आई टी सही है ये तो सही है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट बताना है एन एन पी एट एम पी एन एन पी एट एम पी इज इक्वल टू एन एन पी एट एफ सी ये तो मुझे तो यही गलत लग रहा है एन एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू नेशनल इनकम सही है जी एन पी एट एम पी इज इक्वल टू जी एन पी एट एम पी इज इक्वल टू जी डी पी एट एम पी प्लस एन एफ आई ए क्या ये सही है बाकी सेम है डोमेस्टिक्स हाँ सही है तो इसका मतलब यही गलत है बी गलत है एन एन पी एट एम पी इज इक्वल टू एन एन पी एट एफ सी कैसे हो सकता है ये गलत है ठीक है जी चलो सर इसके बाद क्या आ रहा है नंबर सेवन क्या है गाड़ी खरीदी है हाउस होल्ड ने अगर गाड़ी खरीदी है हाउस होल्ड ने तो फिर वो क्या सिंगल यूज कैपिटल गुड है देखो भैया गाड़ी खरीदी है तो वो कंज्यूमर गुड है क्योंकि हाउस होल्ड ने ली है वहीं पे ये गाड़ी कोई फर्म खरीद रही होती ना तो एक साल से ज्यादा उसके पास पड़ी रहती तब ये कैपिटल गुड बनता तो और ड्यूरेबल भी है तो ये सी ऑप्शन बनेगा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीजन सोलशन है कार इज अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड बिल्कुल सही बात है बिकॉज

अन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास इससे रिलेटेड नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर बन जाएगा डन सर क्या बात है आ जाइए चलो भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और खत्म करते चलेंगे ठीक है क्या लिखा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वन करेंसी नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है वन रूपी का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है

आरबीआई इंजेक्ट मोर मनी इन द सर्कुलेशन अगर आर बी आई ज्यादा मनी डाल देता है तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा ये तो बिल्कुल ठीक बात है कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट देस अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट देते हैं तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा येस ये भी सही है टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड टैक्स रेट कम हो जाएगा अगर बताओ भाई अगर सरकार टैक्स रेट्स कम कर देती है तो क्या वहां पे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो बताओ जी फटाफट से क्या है यहां पे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा टैक्स टैक्स रेट अगर कम करे, सरकार कम करे सरकार ले रही है तो लोगों तक तो पैसा और पहुंच रहा है तो यहां पे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा द बैंक बैंक रेट रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाएगा ठीक तो है जी ओके okay, चलो भाई प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पे खत्म होता मनी मल्टीप्लायर बिकम जीरो नहीं

जिसमें कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट किसके पास रखने होते हैं सेंट्रल बैंक के पास तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास सी आर आर अपने पास जो रखने होते हैं वो होता है एस एल आर इन दॉलोइंग क्वेश्चन रीजन सोशन फॉरन एक्सचेंज रेट सपोर्ट द कंपेरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइजेस क्या लिखा है हमारे पास क्या फॉरन एक्सचेंज रेट सपोर्ट करता है कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस बिल्कुल आप देख सकते हो कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है ये तो गलत, हो गया थोड़ी न होता है. ये गलत है तो असरशन ठीक है रीजन गलत है सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास

अच्छा जी क्या बात है अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वुड बी कितना होगा देखो यार हमेशा मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है मल्टीप्लायर होता है कि कितने गुना हो गया हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आया वो कितने गुना हो गया तो हम क्या बोलेंगे देखो हमारे पास यहाँ पे 400 करोड़ जमा करे थे और 4000 करोड़ हो गए तो अगर 400 करोड़ बच्चों 4000 करोड़ हो गए तो ये क्या है 10 टाइम्स हो गया 10 टाइम्स हो गया और मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है अपॉन एल एल आर 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 इज इक्वल टू तो LRR की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी एल आर आर की वैल्यू निकलेगी वन अपॉन टेन दैट इज जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन आ जाएगा बच्चों ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा एटीन ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास एंड ट्वेंटी फटाफट से पढ़ना चालू करो स्क्रीन लो करना शुरू करो करने आप ही को हैं सारे के सारे जल्दी जल्दी से देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है फटाफट से आप इसमें 19 और 20 चेक करोगे ठीक है क्या है जी एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ ऑस्ट्रेलियन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरन कंपनी देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी बात सही है बिल्कुल बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉर एक्सचेंज ये गलत है इनफ्लो होगा भाई अगर कोई बाहर वाला आके हमारी कोई कंपनी खरीद रहा है तो हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना तो इनफ्लो होगा ये गलत हो गया असर्शन सही है रीजन गलत है नेक्स्ट क्या है इफ द एंड रिसेप्ट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल इट अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस गलत हो गया भैया गलत हो गया तो असरशन गलत है रीजन सही होगा एक ही ऑप्शन होता है गलत का तो तो डी ही ऑप्शन इसमें बन जाता है चलो भाई आगे चलते हैं अगला सवाल क्या है सर इफ द एल आर आर इज देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल मनी क्रिएशन विल बी बताओ भैया जल्दी जल्दी से बताएंगे एल आर आर बीस परसेंट है एल आर आर ट्वेंटी परसेंट है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लायर आ जाएगा वन अपॉन जीरो पॉइंट टू फाइव टाइम्स आ जाएगा पांच गुना मल्टीप्लायर आ गया इनिशियल डिपॉजिट दो हजार है तो दो हजार का पांच गुना दस हजार फाइनल वैल्यू बन जाएगा तो मल्टीप्लायर फाइव और दस हजार फाइनल वैल्यू ए ऑप्शन बन जाएगा ठीक है आगे लिखा हुआ है नोट्स एंड कॉइंस आर द ओनली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री बताओ भाई फटाफट बड़ से क्या सिर्फ नोट्स और कॉइन्स क्या यही है हमारे पास ये तो गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई ये सही है तो असर्शन गलत है सपोज इनकम राइजेस फ्रॉम पांच हजार से छ हजार एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम चार हजार से चार हजार छह ओ हो बताओ जरा इनकम जो है वो पांच हजार से 6000 हजार हो गई तो चेंज इन इनकम इज एक हजार एज अ रिजल्ट कंजम्पन राइजेस फ्रॉम चार हजार से चार हजार छ सौ डेल्टा सी हो गया 600 का एम पी सी इन सच अ केस वुड बी बताओ जी एम पी सी क्या होगा एम पी सी क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 600 सो अपॉन एक हजार जीरो पॉइंट सिक्स डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा ये तो शायद हमने पहले भी करा था ठीक है 23 का 0.6 चलो भाई 24 बताओ द वैल्यू ऑफ ए पी सी इज जीरो पॉइंट एट नैशनल इनकम इज फोर थाउजेंड वट विल बी द वैल्यू ऑफ सेविंग्स बताओ भैया जी सेविंग्स कितना होगा तो देखो अगर ए पी सी जीरो पॉइंट एट है इसका मतलब अस्सी परसेंट खर्च हो जाएगा चार हज़ार का अस्सी परसेंट थर्टी टू हंड्रेड का कंजम्पशन हो गया चार हज़ार में से अगर थर्टी टू हंड्रेड का कंजम्पशन है बच्चों तो सेविंग कितना हुआ चार हज़ार में से थर्टी टू हंड्रेड हटा दो आठ सौ की सेविंग आ गई एट हंड्रेड का सेविंग आ गया ठीक है चले आगे चलो सर डन है जी अब चलते हैं बच्चों फटाफट अगले दो सवाल पढ़ो फटाफट से सबसे पहले लिखा हुआ है इन द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम याद है एस एडी फुल इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये आया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये है आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास एडी इज इक्वल टू ए एस क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में एडी इज इक्वल टू ए एस होता है सोचो हाँ भाई एडीज इक्वल टू ए एस तो होता ही है यहां पे हो ही रहा है तो ये तो सही है एग्जिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी बहुत सारी बच रही है बिल्कुल सही है ये भी सही है उसके बाद क्या है रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज ये भी सही है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिनेटली यूटिलाइज ये गलत है तो इसका ऑप्शन डी बन जाएगा टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या करे सेंट्रल बैंक क्या करे बाय करे बाय करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा हमें रिड्यूस करना है सेल करे सिक्योरिटीज क्या सिक्योरिटीज सेल करने से सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट अगर सेल करेगा तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल ठीक है ये हो जाएगा रिड्यूज रिजर्व रेशो रिजर्व रेशो रिड्यूज नहीं कर सकता रिड्यूज रेपो रेट रेपो रेट कम करेगा तो क्या क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी नहीं इसका ऑप्शन बनेगा बी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी है यानी मनी सप्लाई कम करना है तो मनी सप्लाई कम करने के लिए तो भैया सिक्योरिटी बाय करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा हमने सिक्योरिटी ले ली पैसा चला गया सिक्योरिटी सेल करेंगे बेचेंगे बेचेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा ठीक है ना सही है रिड्यूस रिजर्व रेशो रिड्यूस रेपो रेट दोनों कम करने से मनी सप्लाई अगर हम इसको कम कर देते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ता है नहीं कम नहीं करना ठीक है जी चलो आगे चलते हैं ट्वेंटी सेवन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बच्चों एक बार सारे के सारे ऑप्शन आप भी वेरीफाई करते रहना क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में एरर ना हो जाए तो अगर आपको कोई लगे तो कॉमेंट्स में आपस में डिस्कस जरूर कर लेना ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताओ जी लोन फ्रॉम आई एम एफ इज रिसिप्ट भैया जी बिल्कुल गलत हो गया गलत हो गया कैपिटल रिसिप्ट है हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर डेफिसिट देखो ऐसा नहीं है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी होगा बोरोइंग रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट ये सही है फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग रिप्रेजेंट करता है आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशियो प्रीवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम तो ये तो सही है मनी मल्टीप्लायर किसकी मदद से निकलती है मनी मल्टीप्लायर रिजर्व रेशियो की मदद से एलआरआर की मदद से निकलता है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिजर्वेशन नहीं भैया मल्टीप्लायर इज वन अपॉन एल आर आर इनवर्स रिलेशन होता है ये गलत है तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू स्टेटमेंट टू इज फॉल्स ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी चलो जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास चलो भैया फटाफट से देखो जल्दी जल्दी से मुझे बताओ क्या ऑप्शन बनना चाहिए आपके हिसाब से क्या आपको ठीक लगता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल बताओ भाई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पुअर uh, पीपल को एलपीजी बट रहा है इट इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस क्या ये सोशल जस्टिस का साइन है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द अब मैं स्टेटमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही नहीं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यस सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बनेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट बताइय भैया जी बताइयो भैया जी जल्दी जल्दी से बोल दो आपको क्या लगता है कौन सा फाइनेंशियल एड फ्रॉम एम एनसी फिनेशियल एड रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है है ही नहीं बोरोइंग्स बोरोइंग्स बच्चों डेट क्रिएटिंग हमें नॉन डेट क्रिएटिंग चाहिए जो कर्जा ना क्रिएट करे ठीक है रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट यस ये है देखो नॉन डेट क्रिएटिंग डिविडेंड पेड एक्सपेंडिचर है भैया ये तो हमारे पास रिसिप्ट है ही नहीं ठीक है आगे चलते हैं बेटा जी फटाफट से क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और क्या लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल अगर फॉरेन करेंसी का मार्केट प्राइस कम हो जाता है तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा ठीक है नेशनल इनकम का और फॉरेन करेंसी के रेट का हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन होता है बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है कम होता है तो वो भी कम हो जाता है ओके okay, अगले पे चलते हैं फटाफट से क्या लिखा हुआ भैया नेक्स्ट बताओ जरा फटाफट से इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमेलगमेशन अमेलगमेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बिल्कुल सही है बिकॉज सेंट्रल बैंक कैन मैनिपुलेट सेंट्रल बैंक मैनिपुलेट कर सकता है द फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ये गलत है भैया असर्शन ठीक है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स ठीक है चलो आगे चलते हैं फटाफट से अगला सवाल क्या है हमारे पास आओ जी <coughs> <coughs> कौन सा सही है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं भाई ऐसा नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है गवर्नमेंट को फिक्स्ड में मिलता है इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवीन टू बाय एंड सेल

इतने डॉलर चाहिए होंगे हमें दो लाख रुपए के लिए बताओ भाई एक डॉलर अस्सी रुपए का है तो कितने डॉलर चाहिए आपको दो लाख रुपए अगर आपको खरीदने हैं दो लाख रुपए के बदले में कितने डॉलर आएंगे बेसिकली ये पूछ रहा है अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है ये तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भैया एक रुपए में कितना डॉलर आएगा तो अगर एक रुपए में मुझे निकालना हो कि कितना डॉलर आएगा तो हम करेंगे वन अपॉन एट्टी पॉइंट फाइव जीरो कितना आ जाएगा वन अपॉन एट्टी पॉइंट फाइव जीरो 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 पॉइंट जीरो आ गया एक रुपए में तो दो लाख में कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दो, दो लाख रुपए से दो लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाइड बाय दो लाख टू फोर एट फोर टू फोर एट फोर, फोर ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा टू फोर एट फोर मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा मैंने कैलकुलेट करा बच्चों की एक रुपए में, तो तो में कितने आएंगे दो लाख से मल्टीप्लाई कर तो. दो जल्दी -जल्दी चालू कर दो तो भाई एक्सपोर्ट in वैक्सीन हुआ है का, जो इंडिया में बनी थी उससे क्या होगा इनफ्लो होगा इंडियन करेंसी का गलत आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का गलत

ठीक हो गया जी चलो यह भी डन हो गया 37 चेक करते हैं 37 में क्या है चेक करो जल्दी से एंड इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया भारतीय कंपनी भारत में ही है इन्वेस्ट करती है एक कंपनी जो बाहर है तो हमारे पास से फॉर हमारे पास से आउटफ्लो हो रहा है एक्सचेंज का ठीक है अगर आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा और इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहां पे आती है कैपिटल अकाउंट में तो हमारे पास आना चाहिए डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट थर्टी सेवन का ऑप्शन बनता है हमारे पास डी चलो भाई थर्टी एट का बता दो फटाफट बीओ टी ऑफ अ नेशन शोज डेफिसिट ऑफ तीन सौ करोड़ ठीक है बी ओ टी क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ठीक है ऐसे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना है चार सौ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास चार ट्रांसफर पेमेंट्स है पचास करोड़ इम्पोर्ट बताओ फटाफट से कितना होगा बी कितना आ रहा है बीओ हमारे पास आ रहा है 300 वो भी माइनस का इम्पोर्ट बताओ भाई ट्रांसफर पेमेंट से इसका क्या मतलब है ट्रांसफर पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स बताओ तो निकाल लो यार इम्पोर्ट्स की वैल्यू ठीक है आप यहां से इम्पोर्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हो ओके okay. ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा ठीक है इंपोर्ट इधर आ गया 400 ये उधर चला गया प्लस 300 700 सात सौ चार सौ माइनस सात सौ होगा तभी तो माइनस तीन आया होगा तो 700 हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन ठीक है जी डन सर चलो भाई फटाफट से आगे चलते हैं

ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बिल्कुल सही बात बोल रहा है ठीक है आगे क्या बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर टू ईच अदर बिल्कुल सही है एग्रीगेट डिमांड कर्व कर्व और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के होते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू सी पार्ट बनता है दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है चलिए सर इसके बाद क्या है जल्दी जल्दी से बच्चों कंप्लीट होने वाले हैं हमारे पास दस न्यूमेरिकल और, और ये खत्म है अंडर द बीओपी

द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी बताओ जी एक्सपोर्ट कितना है आपको बोल रहा है जो हमारे पास इंपोर्ट है इंपोर्ट आधा है एक्सपोर्ट के तो अगर एक्सपोर्ट एक्स है तो इंपोर्ट जीरो पॉइंट फाइव एक्स होगा इसका हाफ है ठीक है तो अब जल्दी से बराबर बता दो द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना होगा तो भैया एक्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक्स जीरो हजार इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एक्स तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा बीस हजार डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट फाइव इसने पूछा क्या था एक्सपोर्ट ही पूछा था क्या वैल्यू आता है बीस हजार डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट फाइव चालीस हज़ार आ जाएगा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू चालीस हज़ार आ जाएगी आधा होगा तो बीस हजार चालीस माइनस बीस बीस ठीक है जी फोर्टी थाउजेंड गुड क्वेश्चन चलो जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे और फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर का आंसर बताएंगे जी क्या आंसर होगा फोर्टी थ्री का क्या आंसर होगा फोर्टी फोर का चलो चेक करो फटाफट से सबसे पहले यही देख लूं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड अपियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा एजुकेशन कंसल्टेशन फ्रॉम अ फर्म इन न्यूयॉर्क सर्विस है भैया कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोरोइंग्स हमने पैसा क्रेडिट में जाएगा भैया बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड चेंज इन फंड एक्सचेंज रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाते हैं चलो अब फोर्टी पे चल लेते हैं <laughs> फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन करेक्ट वन चूज करना है ट्रेड डेफिसिट रेफर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस सर्विस आ गया भैया गलत हो गया ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं ट्रेड सरप्लस में भी सर्विसज नहीं आती भैया करंट अकाउंट डेफिजिट इन अ नेशन अकर्स वेन द फॉर एक्सचेंज रिसिप्ट इन करंट अकाउंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज पेमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है तभी होता है सी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा ठीक है जी चलिए सर 43 44 डन चलो जल्दी से वट 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 बताओ विच ऑफ द इज सोर्स ऑफ रिसिप्ट कौन सा सोर्स ऑफ रिसिप्ट इनमें से अच्छा सारी बजट में इनक्रीजेज इट्स लाइबिलिटीज कौन सा रिसिप्ट लाइबिलिटी बढ़ाएगा टैक्स नहीं भाई रिकवरी ऑफ लोन नहीं भाई बोरोइंग्स लाइब्रिटी बढ़ाएगी यस yes, बोरोइंग्स इसका आंसर बन जाएगा चलो जी अगला रिकवरी ऑफ लोन रिकवरी ऑफ लोन इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट सही है जी बिल्कुल सही बात है रिकवरी ऑफ लोन कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ये भी सही है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ए ऑप्शन बनेगा 46 का ए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ठीक है जी चलो भैया डन है डन है डन है डन है डन है, done है, done है 47, 48, आ भाई भाई। से लेके चलना। मैं इसीलिए बिल्कुल खाली रख के चलता हूं, तुम लोग ले आसानी बताओ भाई, कौन सा गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है फोर्टी सेवन का आंसर बताइए अमाउंट बोरोड कैपिटल रिसिप्ट हो गया सेल ऑफ शेयर कैपिटल रिसिप्ट फंड रेज बाय गवर्नमेंट बाई शुंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ये भी कैपिटल रिसिप्ट Profits, yes, profits हमारे पास revenue receipt है है बताओ भैया जी नहीं interest received, interest जो मिलता है, वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है सेल ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स यस 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 सी पार्ट बनेगा ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट है चलो भाई अगले दो सवाल क्या है इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज़ इन कंजम्पन जितना इनकम बढ़ा है उतना ही कंजम्पन भी बढ़ गया है तो एम पी सी कितना होगा जीरो होगा भाई एम पी सीटा सी अपॉन डेल्टा बाइरो पब्लिक गुड्स आर दो एंड सर्विस पब्लिक बिल्कुल ठीक है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंडवलरस इन नेचर ऐसा नहीं है यार ये गलत है ऐसा नहीं है कि उसको एक्सक्लूड मान दो मतलब उसको एक्सक्लूड कर दो राइवल रस है लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ नहीं है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट वन इज ट्रू स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स तो ये थे बच्चों हमारे पास फिफ्टी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से आप लोगों ने तैयार किए होंगे और इसी के साथ साथ तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पैक है रात को नौ बजे मिल रहे हैं प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा तुम्हें तुम लोग इतना ये पूरी कर लो उसको करने के बाद यू आर ऑल सेट आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो आप एग्जाम दे के आ सकते हो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा भी पढ़ने से दिक्कत होती है तो रिलैक्स करना आज अच्छी नींद लेना जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिवीजन करके अच्छे से सोना और कल फ्रेश माइंड उठ के एग्जाम दे के आना और राइट तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द थोड़ी ही देर में नौ बजे विद प्रेजेंटेशन टिप्स तब तक ऑल द वेरी बेस्ट आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून टिल देन सी टिया टेक केयर बाय बाय